हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो मुंबई सेंट्रल, इसके अलावा प्रोद्रा डिवीज़न आते हैं, रतलाम, इसके अलावा राजकोट डिवीज़न, चार डिवीजन्स के लिए मिलनी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CVT पेपर्स जूनियर इंजीनियर पेपर्स के लिए कंडक्ट करवाया गया था। और यह पेपर मेनली CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर कंडक्ट करवाया गया था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट का तो अभी हाल ही में यह पेपर 28 सितंबर 2024 को पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो टोटल इस पेपर के अंतर्गत 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर आप एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर अगर बात करें पहले प्रश्न का तो पहला प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज द रेल मदद। रेल मदद क्या है? तो रेल मदद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी पैसेंजर्स को किसी प्रकार की अगर समस्या दर्ज कराना हो यानी कंप्लेंट्स को एंट्री कराना हो, पैसेंजर्स को किसी प्रकार का सजेशन देना हो या उनके किए गए कंप्लेंट्स को अगर ट्रैक करना हो, इस सारे प्रोसेस रेल मदद के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए गृहांश रिडेसल प्लेटफॉर्म यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डट कलेक्टर ऑफ अ वैगन शुड बी क्लीनड विद इन। जो डट कलेक्टर जो होता है, जिसका काम होता है कि मेनली जो ये BP और AP पाइप जो होते हैं, जैसे यहाँ से ब्रांच पाइप निकलना होता है यहाँ पर, तो ब्रांच पाइप में जाने से पहले प्रेशर को यहाँ पर डट कलेक्टर के माध्यम से प्रेशर को फिल्टर किए जाते, ताकि जो प्रेशर जाए वो प्रॉपर सही क्वालिटी का यहाँ पर जाए, जिससे माल फंक्शनिंग की समस्या वगैरह ना आ सके। तो यहाँ पर वही पूछा गया कि जो डट कलेक्टर जो वैगन के अंतर्गत यूज किए जाते हैं, इनका जो ओवरहॉलिंग किया जाएगा, क्लीनिंग किया जाएगा, वो मेनली ROH के दौरान किया जाता है। रूटीन ओवरहॉलिंग के लिए जब वैगन जाता है तो उस दौरान इनका क्लीनिंग प्रोसेस किए जाते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ ROH। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टिप्लर्स इन रेलवे ऑपरेशन। रेलवे ऑपरेशंस के अंतर्गत जो टिप्लर्स यूज किए जाते हैं, इनका पर्पस क्या होता है? तो जो टिप्लर्स वगैरह जो यूज किए जाते हैं, वो मेनली जैसे कि जो बॉक्सिन वगैरह होते हैं, इनको प्रॉपर वे में यहाँ पर अनलोडिंग नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर जैसे कोल वगैरह यहाँ पर जो इसमें लोडेड होते हैं कमोडिटी, जैसे यहाँ पर जो थर्मल प्लांट्स वगैरह जहाँ पर इलेक्ट्रिक वगैरह के लिए जो प्लांट लगे होते हैं, वहाँ पर बॉक्सन वैगन जैसे ही जाते हैं, इनको टिप्लर की मदद से इस तरह से रोल आउट किए जाते हैं, ताकि इनसे लगे जो कमोडिटी लोडेड है कोल्स वगैरह, वो प्रॉपर डिस्चार्ज किए जा सके। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टू अनलोड वैगन्स बाय रोटेटिंग देम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आप अक्सर बक्से वगैरह के अंतर्गत जो नकल पिन की जो मिसिंग समस्या देखते हैं, इसका मेन कॉज यहाँ पर टिप्लर्स ही होते हैं, क्योंकि जैसे ही अनलोडिंग करते हैं तो वहाँ पर जो नकल पिन जिसमें APD नहीं लगे होते, वहाँ से यह गिरने की ज़्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व इज -kg/cm². यहाँ पर BTPN वैगन्स के अंतर्गत जो लगे सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं, इनका वर्किंग प्रेशर पूछा गया है। तो सबसे पहले यह जान लें कि जो सेफ्टी वाल्व का फंक्शन क्या होता है। तो सेफ्टी वाल्व मेनली जो होता है कि जब भी चलते दौरान जो एक्सेस प्रेशर जो बैरल होते हैं, इन बैरल्स में एक्स्ट्रा प्रेशर जो डेवलप होता है, उनको एक लिमिट्स के बाद अगर जो डेवलप होंगे उनको बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर देगा। यही मेनली सेफ्टी वाल्व्स का काम होता है, ताकि वो बैरल्स पर किसी प्रकार का एक्सीडेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व ना हो। तो यहाँ पर जो सेफ्टी वाल्व BTPN की अगर बात करें, तो जो दो बैरल्स यहाँ लगे होते हैं,
टॉप में, इसके बीच में एक छोटा सा यहाँ पर लगा होता है सेफ्टी वाल्व्स, जिसकी अगर बात करें तो यह मेनली 1.4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर यह सेट होता है, जिससे अधिक प्रेशर यहाँ पर अगर बैरल के अंतर्गत बनता है तो वह डिस्चार्ज करके बैरल को किसी दुर्घटना होने से बचाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे नंबर पूछा जाता है कि प्रत्येक बीटीपीएन वैगन में कितने नंबर्स में होते हैं, तो 0-1 की संख्या में यहाँ पर प्रत्येक बीटीपीएन वैगन में जो बैरल के टॉप मोस्ट जो होते हैं वहाँ पर 1 की संख्या में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वाइल्ड इन रेलवे स्टैंड्स फॉर, रेलवे के अंतर्गत जो वाइल्ड्स होते हैं, वाइल्ड्स का जो यूज किया जाता है, वाइल्ड मेनली जो होते हैं व्हील इंपैक्ट लोड डिटेक्टर डिवाइस होता है, या मेनली जो इन रूट के अंतर्गत किसी प्रकार की समस्या वैगन्स या कोचेज में आते हैं उनको यह आइडेंटिफाई करता है, या मेनली ऑटोमेटिक रूप से यह कार्यरत होते हैं। या अगर बात करें तो इसमें मेनली जो वाइल्ड्स के अंतर्गत एक बॉक्स होते हैं यहाँ पर ट्रैक के ऊपर, इनका एक स्ट्रेन गेज, छोटे छोटे स्ट्रेन गेज दोनों तरफ दोनों लाइन्स जो होते हैं हमारे उन पर लगे होते हैं मेनली, या 18 की संख्या में या स्ट्रेन गेज लगे होते हैं, जिनका काम होता है कि जैसे कोई चक्कर यहाँ से व्हील्स जैसे रोल करके आगे निकलते हैं तो इनको या इम्पैक्ट को यह सेंस करता है, और प्रत्येक स्ट्रेन गेज पर कितने इम्पैक्ट आया है एक वह सीरीज वह तैयार कर लेता है। इसमें वह हायर और लोअर दोनों को कंपेयर करके वह इम्पैक्ट को जनरेट करता है, जिसके बिहार पर यह डिसाइड कर पाता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई फ्लैट सरफेस तो नहीं है, किसी प्रकार का इसमें व्हील डिफेक्ट्स तो नहीं है, जो कि एक्सेस इंपैक्ट जो ट्रैक्स पर आते हैं उनके बिहार पर यह रिजल्ट दे पाता है। तो इनमें भी कुछ अलार्म्स वगैरह होते हैं कि कितने इंपैक्ट्स के ज़्यादा होने पर, तो इसके लिए रखा गया कि अगर कोई मीडियम अलार्म्स है तो यह 20 से लेकर 25 टन के अगर बीच अगर इंपैक्ट्स आते हैं तो इसको मीडियम अलार्म के बीच रखा गया है। उसके अलावा अगर बात करें कि अगर यह अलार्म्स 25 से लेकर 30 टन तक अगर जाता है तो यह मेनली हाई अलार्म्स को इंडिकेट करेगा, अगर मोर देन 30 से अबव जाता है तो यह मेनली इमरजेंसी अलार्म को इंडिकेट करेगा। इस प्रकार यह वाइल्ड्स फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्हील इंपैक्ट लोड डिटेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अगर बात करें, पूछे गए हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FOIS इन रेलवे, रेलवे के अंतर्गत जो FOIS यूज किए जाते हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह FOIS का जो फुल फॉर्म होता है वो फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेट के लिए एक जो TXR द्वारा जो ऐप यूज किए जाते हैं वो है FMM, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट होता है, और एक होता है कोचिंग के लिए जो होता है CMM यानी कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो दोनों का आप याद रखें, यहाँ से आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रांसपोर्टेशन कोड BPH स्टैंड्स फॉर, जो BPH होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाई कैपेसिटी पार्सल वान होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे एक WCB पूछा जाता है, WCB मेनली जो होता है वह पेंट्री कार के लिए यूज किया जाता है, और एक RA पूछा जाता है, RA मेनली जो होता है वह होता है इंस्पेक्शन कैरिज होता है, इंस्पेक्शन कैरेज के लिए यूज किया जाता है, जो कि प्रशासनिक के स्तर पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन LHB कोचेज, LHB कोचों में जो नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर यूज किए जाते हैं वो कितने यूज किए जाते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक एक्सल पर 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं और प्रत्येक कोच में 2 बोगी होती है और 4 एक्सल्स होते हैं, तो टोटल इस प्रकार से अगर बात करें तो 2 × 4 करेंगे तो आपका 8 नंबर्स में प्रत्येक कोच में नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर उपलब्ध होगा, जिसमें मैक्सिमम जो प्रेशर जाएगा वो केवल और केवल 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जाएगा, जो कि LHB कोच में लगे ब्रेक सिलेंडर का होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द लीव पीरियड फॉर मैटरनिटी लीव इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में जो फीमेल कर्मचारी कार्यरत होते हैं उनको लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है, जिनको अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन के लिए या मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और प्रत्येक केस में जो या 180 डेज का इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, परमिसिबल BP प्रेशर इन
रियर व्हीकल्स व्हेन रिकंपोजिशन इज मोर देन 56 वैगन्स। अगर कोई रिकंपोजिशन अगर 56 वैगन से ज़्यादा का अगर बना हो तो उस केस में जो रियर व्हीकल्स यहाँ पर बोला गया, यानी जो ब्रेक मास वगैरह है या जो सबसे लास्ट का व्हीकल्स होगा, वैगन्स होंगे या कुछ, तो उस केस में यहाँ पर परमिसिबल जो बीपी प्रेशर होगा, ब्रेक पाइप प्रेशर, वो कितना होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कि इसमें दो कंडीशन रखे गए हैं, एक रखे गए हैं अप टू 56 वैगन तक रखा गया है। तो इस केस में जो लास्ट व्हीकल का जो प्रेशर होना चाहिए ब्रेक बान या लास्ट व्हीकल्स का, उस केस में यह 4.8 केजी का प्रेशर होना चाहिए। इसके अलावा अगर मोर देन 56 वैगन के लिए अगर पूछा जाता है तो उस केस में जो रियर व्हीकल्स या जो ब्रेक बान होंगे उसमें 4.7 केजी का प्रेशर मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बोला गया प्रश्न में मोर देन 56 वैगन बोला गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रेवांस इन सीपी ग्राम्स। सीपी ग्राम्स के अंतर्गत जो ग्रेवांस रिड्रेस किए जाते हैं, इनकी जो एक्शन लेने का जो टाइम लिमिट रखा गया है वो कितना टाइम पीरियड रखा गया, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें अगर सीपी ग्राम्स का, तो सीपी ग्राम्स का मेनली जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। यह मेनली जो ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो भारतीय सरकार के द्वारा जारी किया गया, जिसके माध्यम से कोई सिटीजन्स इसमें अपना ग्रीवांस को रजिस्टर कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई सुझाव देना हो तो वो भी यहाँ पर वो एड्रेस कर सकता है। इसमें कुछ टाइम लिमिट रखे गए हैं जो कि 30 डेज का टाइम लिमिट रखा गया है, जिसके बिहार पर उसके ग्रीवांस अगर कोई ऐड करता है तो उसमें एक्शन लेना होता है। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 30 डेज। इसमें कुछ इसमें रोके गए हैं जो प्रिवेंट किए गए, जिसको यहाँ पर सीपी ग्राम्स के अंतर्गत अगर कोई ड्रेस करता है तो उसमें एक्शन नहीं लिया जा सकता, ऐड नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई आरटीआई मैटर्स को इसमें शामिल किया जाता है या सब जडिस जो मैटर्स होते हैं अदालती मामले वगैरह या सजेशन वगैरह, तो उसमें इसमें प्रिवेंट किए गए, इसमें ऐड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंडमिंग व्हील डाया ऑफ फिएट बोगी। फिएट बोगी का यहाँ पर कंडमिंग व्हील डाया पूछा गया है, तो नए कंडीशन में यह 915 mm होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसी किसी डिवीज़न में यह 845 mm लेते हैं, कहीं पर यह 855 mm लेते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। जबकि यहाँ पर अगर बात करें शॉप इशू साइज का, तो यह 862 mm होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन के अनुसार जैसा भी ऑप्शन हो तो उसके अनुसार आप चूज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन वैगन्स डैश मैकेनिकल डिवाइस हेल्प टू मेंटेन द क्लियरेंस बिटवीन द ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड्स। यहाँ पर बोला गया कि मालगाड़ी यानी वैगन के अंतर्गत कौन सा मैकेनिकल डिवाइस जो हेल्प करता है ब्रेक ब्लॉक्स एवं व्हील ट्रेड्स के बीच को गैप को मेंटेन करने में। तो इसके लिए जो कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम जो वैगन के अंतर्गत यूज किए जाते हैं, जिसमें जो गैप मेंटेन किया जाता है वो ACB यानी स्लैक लिस्ट वेल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें जो मेनली फंक्शन होते हैं वो ए एवं ई डायमेंशन होते हैं, जिसके बिहार पर यह गैप को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन द टैंक वैगन्स क्लोज द वेपर्स एक्सट्रैक्टर कॉक आफ्टर। जो टैंक वैगन के अंतर्गत जो वेपर एक्सट्रैक्टर लगे होते हैं, इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, पहले ये जान लें। जो प्रत्येक बैरल के ऊपर जो दो डोम लगे होते हैं, जहाँ पर फिलिंग का पाइप्स लगे होते हैं बॉटम तक, उसके जस्ट बगल में यहाँ पर वेपर एक्सट्रैक्टर लगे होते हैं, ताकि जो भी इसके अंतर्गत जो वेपर बने हैं वो इसके माध्यम से बाहर हो जाए। जैसे यहाँ पर हम लोडिंग कर लेते हैं तो इसके बाद वेपर एक्सट्रैक्टर को हम बंद कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर वही है कि जो यहाँ पर बोला गया कि वेपर एक्सट्रैक्टर को कब क्लोज करना चाहिए, तो आफ्टर लोडिंग के बाद यहाँ पर क्लोज कर देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट GST। GST से क्या समझती है, GST मेनली इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि भारतीय सरकार के द्वारा यह लागू किया गया है। अगर बात करें यहाँ पर
तो ऑप्शन का था इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि करेक्ट है। इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्स, यानी यह एक प्रकार का ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि काफ़ी सारे जो टैक्स इनडायरेक्ट रूप से थे उनको रिप्लेस करके यह सिंगल रूप में लाया गया है। इसके अलावा जीएसटी एक्ट जो है पास्ट किया गया था पार्लियामेंट्स के अंतर्गत अगस्त 2016 के अंतर्गत, इसके लिए 101 अमेंडमेंट्स किए गए थे भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो यह तीनों यहाँ पर अगर बात करें तो करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसको मिलनी जो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 1 जुलाई 2017 को भारतीय जो संसद भवन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टू फाइंड द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंतर्गत कोई वर्ड को अगर फाइंड आउट करना है टेक्स्ट को, तो उसके लिए जो हम कंट्रोल जो यूज करते हैं वह मिलनी कंट्रोल प्लस एफ जो टर्म होता है वो फाइंड के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आप यहाँ पर सी के लिए होता, सी मेनली कॉपी के लिए, कोई भी टेक्स्ट हमें कॉपी करना हो तो सी कंट्रोल प्लस सी यूज करेंगे। वी मेनली जो होता है वो पेस्ट के लिए यूज किया जाता है, जो हम वर्ड कॉपी किए उसको पेस्ट करना हो। इसके अलावा जो बी यहाँ पर दिया है वो मेनली किसी शब्द को टेक्स्ट को अगर हमें बोल्ड करना हो लेटर को, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग, कोई हमें टर्म्स को अंडो करना हो, प्रीवियस एक्शन लेना हो, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आप अलग अलग कंट्रोल्स का यहाँ पर फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन ट्रेन सेट सच एज वंदे भारत एक्सप्रेस द प्रोपल्सन सिस्टम इज। वंदे भारत ट्रेन सेट्स के अंतर्गत जो प्रोपल्सन सिस्टम होता है वो मेनली क्या होता है? तो प्रोपल्सन सिस्टम मेनली जो होता है इक्वलाइज जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे कि जो हमारे कन्वेंशनल जो रिक्स वगैरह होते हैं, जैसे लोकोमोटिव्स के द्वारा हमारा होल्ड किए जाते हैं। जैसे कोई हमारा ये रिक्स है हमारा, तो एक लोकोमोटिव जो है, जैसे कि अगर WAG 9 हो गया, WAG 12 हो गया, तो उस केस में इसके द्वारा केवल लोकोमोटिव्स के द्वारा पूरे रिक्स को यहाँ पर होल्ड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें वंदे भारत का, तो वंदे भारत के केस में एक यूनिट के आधार पर यह फॉर्मेशन होते हैं, जिसमें सबसे आगे DTC लगा होता है, फिर यहाँ पर MC लगे होते हैं, फिर यहाँ पर ट्रेलर कोच, फिर यहाँ पर MC लगे होते हैं। यानी प्रत्येक एक यूनिट के अंतर्गत दो मोटर कोच लगे होते हैं, जिसके प्रत्येक एक्सल पर ट्रैक्शन मोटर लगा होता है, जिसको यहाँ पर पावर्स इसके द्वारा जनरेट किए जाते हैं। यानी अगर बोला जाए तो प्रत्येक यूनिट्स में 50% मोटिंग परसेंटेज होते हैं जो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो एक प्रकार का यहाँ पर प्रोपल्शन सिस्टम्स के काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डज NDRF स्टैंड फॉर। NDRF का अर्थ क्या होता है? तो NDRF मेनली होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द ELB इंडिकेटर्स ब्लेड सोज, जो एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस जो लगे होते हैं, कन्वेंशनल जो ब्रेकिंग लगे होते हैं उसके अंतर्गत मेनली देखने को होता है, जहाँ पर हमारा प्रॉपर सेट करना पड़ता है कि वैगन एम्प्टी कंडीशन में या लोडेड कंडीशन में, इसी के अनुसार हुआ ब्रेकिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें अगर कोई एम्प्टी एवं लोडेड बॉक्स की, तो इसमें एक हैंडल लगा होता है इस तरफ, जो लेफ्ट साइड में इसको येल्लो कलर से यहाँ पर पेंट होते हैं, राइट साइड में इसमें ब्लैक कलर से पेंट होता है। इसमें अगर बात करें कि एम्प्टी कंडीशन में कब रखना है, तो लेस देन 42 टन से कम अगर ग्रॉस वेट वैगन का होता है, ध्यान रखिए ग्रॉस वेट अगर 42 टन से कम है तो उस कंडीशन में हम वैगन को एम्प्टी कंडीशन में रखेंगे, येल्लो पॉइंट्स की तरह हम हैंडल को रखेंगे। अगर 40 टन और एवव अगर ग्रॉस वेट होता है, तो उस केस में हम इसको लोडेड कंडीशन में रखेंगे, तो इसका ध्यान रखिए आप, जो कि ब्लैक कलर की तरफ यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर येलो एम्प्टी को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर लोडेड को इंडिकेट करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फुल फॉर्म ऑफ UDM। UDM का फुल फॉर्म होता है यूजर डिपोर्ट मॉड्यूल होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह मेनली स्टोर के द्वारा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है
ब्रेक एक्सलेटर स्टॉप्स वेंटिंग व्हेन बीपी प्रेशर रीच टू। यहाँ पर ब्रेक एक्सलेटर कब वेंटिंग करना स्टॉप करता है, जब बीपी प्रेशर कितने केजी तक का जो एक लिमिट है वहाँ पहुँचने पर वेंट करना, जो प्रेशर ड्रॉप्स होता है हीजिंग साउंड वो बंद कर देता है ड्रॉप होना। तो सबसे पहले यह जान लें कि जो ब्रेक एक्सलेटर लगा कहाँ होता है। तो जो एक कोच होते हैं इसमें से जो ब्रेक पाइप यहाँ से चलता है, तो एक यहाँ से मेन पाइप से यहाँ पर लगा होता है और एक बड़ा सा यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं पाइप से बॉक्स टाइप का। तो इसमें जो हिसिंग साउंड जो होते हैं हमारा, जैसे हमारा एक प्रेशर इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन होता है या जैसे कोई अलार्म चैन पुलिंग किया जाता है पैसेंजर के द्वारा, तो यहाँ से हमारा प्रेशर ड्रॉप होने का एक ब्लास्ट सा साउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस मेनली जो कोचेज सभी कोचों को एक समान ब्रेक लगाने के लिए प्रदान किया जाता है। अगर ऐसा नहीं अगर होता है, अगर ब्रेक एक्सलेटर अगर नहीं लगाए तो मेनली या LHP कोच में जो हाई स्पीड जो होते हैं, तो इस केस में जो इंजन के पास वाले कोचों में तो ब्रेक समानता जल्दी लग जाएंगे, जो दूर वाले कोच के रिस्पेक्ट में वो जल्दी लग जाएंगे, जिससे यहाँ पर व्हील स्किडिंग की समस्या हो या व्हील डिफेक्ट की समस्या ये सारे इसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो LHP कोच वगैरह होते हैं इसकी स्पीड जो होते हैं काफ़ी हाई होता है, लगभग 130 KMPH के अप्रोक्स या नॉर्मली चलते हैं। तो इस केस में यहाँ पर व्हील स्केडिंग की समस्या यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं। इस पर्पज़ को देखते हुए यहाँ पर ब्रेक एक्सलेटर डिवाइस को यहाँ पर प्रावधान किया गया, जो कि पूरे कोच में एक समान रूप से ब्रेक लगाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो बीपी प्रेशर कितने के से या एक लिमिट में आ जाए तो जब जाकर यह जो प्रेशर ड्रॉप है वो बंद कर देगा। तो इसके लिए लिमिट रखा गया है कि यह 2.5 से लेकर 1.5 केजी की रेंज में अगर आ जाता है प्रेशर, तो उस केस में यह अपना प्रेशर ड्रॉप करना बंद कर देगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन वन यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर डैश कार ए यूनिट्स। यहाँ पर एक यूनिट्स में टोटल आप जानते हैं 5 कार्स होता है, जिसमें से यहाँ पर दोनों लास्ट एंड पर ए कार लगे होते हैं, बीच के 3 बी कार्स होते हैं जो कि एक दूसरे से स्लैकलेस ड्रो बार के जरिए कनेक्टेड होते हैं, और एक कार के लास्ट यूनिट पर CVC होता है। तो यहाँ पर चूंकि पूछा गया था टोटल ए कार के यूनिट्स पूछा गया था, टोटल 2 ए कार्स यहाँ पर प्रत्येक यूनिट्स में अवेलेबल होगा और 3 बी कार्स अवेलेबल होंगे, तो यहाँ पर 2 ए कार होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द डैम्पर शुड बी रिप्लेस्ड इन केस ऑफ, जो डैम्पर को रिप्लेस किया जाना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का वाइल्ड ड्रॉप्स वगैरह हो तो उस केस में यहाँ पर रिप्लेस किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। जो बॉडी होता है और यह फीएड बोगी जो होते हैं इन दोनों के बीच, इस प्रकार से यहाँ पर जो डैम्पर लगे होते हैं शॉक ऑब्जर्वर, इसे मेनली यो डैम्पर्स बोला जाता है। इसका संख्या प्रत्येक बोगी में 2 की संख्या में होते हैं, जिसका काम होता है कि जो रोलिंग मोशन जो होते हैं कोचेज को उसको या मिनिमाइज करने का काम या यो डैम्पर के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ प्रेशर इन बीपी इज। यहाँ पर एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत जो हम SCTR या SWTR के माध्यम से जो हम टेस्टिंग करते हैं वैगन या कोचिज का, तो उस दौरान एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए। जब हम एक रेट से जब बीपी प्रेशर को ड्रॉप करते हैं तो उस केस में हमारा ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए, DB सेंस नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस होता है उसे हम इन सेन CTVT टेस्ट बोलते हैं। जिस केस में अगर बात करें तो इसमें मेनली जो प्रेशर बीपी का होता है, बीपी प्रेशर 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 60 सेकेंड तक ड्रॉप किया जाता है, जिसमें हमारा DB सेंस नहीं करना चाहिए और ब्रेक भी गाड़ी में नहीं लगना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रोसेस जो होता है, टेस्ट जो होता है, वह इनसेंसिटिविटी टेस्ट के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेज। AC कोचों में जो पेस्ट कंट्रोल करने की जो अवधिकता रखा गया है वह मेनली 15 डेज का रखा गया है।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रिडक्शन टू अ लोअर टाइम स्केल ऑफ ग्रेड, लोअर टाइम ऑफ ग्रेड स्केल, यहाँ पर अगर किसी को रिडक्शन किया जाता है तो यह मेनली मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आएगा, बड़ी शास्ति के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 5 जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑफ सेम कैसना बोगी ऑफ अ वैगन, वैगन के सेम कैसना बोगी में यहाँ पर वेरिएशन व्हील डाया पूछा गया है। तो वैगन के केस में अगर बात करें, जो कि व्हील डाया परमिसिबल होते हैं, सेम एक्सल की अगर बात करें तो सेम एक्सल पर या 0.5 mm, सेम बोगी में या 13 mm तक अलाउ होता है, वहीं डिफरेंट बोगी ऑफ सेम वैगन या सेम वैगन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो उस केस में या 25 mm तक मैक्सिमम परमिसिबल होते हैं व्हील डाया डिफरेंसेज। यहाँ पर चूंकि सेम बोगी पूछा गया था तो 13 mm यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, IREPS मीन्स, IREPS का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया कि क्या होगा। तो IREPS की अगर बात करें तो यह मेनली जो होता है वह इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह एक ऐसा एक पोर्टल है भारतीय रेलवे का, जिसके माध्यम से किसी गुड्स का प्रोक्योरमेंट करना हो, वर्क्स या सर्विसेज का, इसके अलावा सेल्स मटेरियल का सेल्स करना हो, किसी एसेट्स या सर्विस को लीज पर लेना हो, वेंडर अप्रूवल्स करना हो, मटेरियल इंस्पेक्शन करना हो, इस सारे प्रक्रिया यहाँ पर IREPS यानी इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच स्टैंडर्ड्स इंश्योर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इन इंडियन रेलवे, निम्नलिखित में से जो यहाँ पर जो दिया गया स्टैंडर्ड्स, इनमें से कौन सा इंश्योर करता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट भारतीय रेलवे के अंतर्गत। इसके लिए ISO स्टैंडर्ड दिया गया है जो कि 14001 है, जिसके माध्यम से यह इंश्योर किया जाता है भारतीय रेलवे में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट्स का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा OHSAS जो दिया गया है यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए ISO 45001 या 18001 यहाँ पर दिया गया है, जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए होता है। इसके अलावा अगर बात करें 9001 जो दिया गया है वह मेनली क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। इसके अलावा एक रेगुलर बेसिस से पूछा जाता है 15001, यह मेनली जो होता है वह एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। और एक पूछा जाता है ISO 3834, वह मेनली क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, स्लैकलेस ड्रॉबार यूज्ड इन, जो स्लैकलेस ड्रॉबार कहां पर यूज किया जाता है, तो प्रत्येक यूनिट्स में जो 5 कार्स होते हैं जिसमें से लास्ट इन पर एक कार, बीच के 3 जो कार्स होते हैं वो बी कार्स होते हैं, बी कार्स को कनेक्ट करने के लिए स्लैकलेस ड्रॉबार्स का प्रयोग किया जाता है, जिसका अगर बात करें रेल लेवल से हाइट तो ओनली 845 mm रेल लेवल से हाइट होता है, जबकि CBC जो ए कार्स के लास्ट इन में होते हैं इनका हाइट 1105 रेल लेवल से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ BLC वैगन, BLC वैगन्स में यहाँ पर कंटेनर को लॉक करने के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ATL का प्रावधान किया जाता है, जिसका नंबर की अगर बात करें तो 8 की नंबर्स में प्रत्येक BLC कार पर लगे होते हैं, जिसको लॉक करने के लिए अगर बात करें तो 600 kg वेट फोर्सेस के रिक्वायरमेंट होते हैं, अनलॉक करने के लिए अगर बात करें तो अनलॉक करने के लिए 1000 kg वेट फोर्सेस के रिक्वायरमेंट होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ATL के मेंटेनेंस किसी प्रकार के डिफेक्ट्स आते हैं तो इसके इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस के लिए G100 RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स दिया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंटेनर को लॉक करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायरमेंट होते हैं, प्रेशर फोर्सेज, वो 600 kg को रिक्वायरमेंट होता है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील। स्पीड सेंसर एवं फोनिक व्हील के बीच जो गैप रखा गया वो कितने mm का रखा गया है। तो जो इस प्रकार से हमारा एक्सल के ऊपर जो हमारा फोनिक व्हील लगे होते हैं जिसमें तीन स्टड लगा होता है, जिसका स्टड की अगर बात करें तो यह मेनली M8 स्टैंडर्ड का 8 का यह इसका साइज होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें 21 या 30 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क वैल्यू की रिक्वायरमेंट होते हैं। वहीं पर एक प्रोब लगा होता है स्पीड सेंसर का, दोनों के बीच का यहां पर गैप पूछा गया है जो कि होता है 0.9 से लेकर 1.4 mm के बीच इसका एयर गैप होता है। इसको मेजर करने के लिए हम फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है इसमें नंबर ऑफ टीथ, तो 80 के नंबर्स में फोनिक व्हील के ऊपर टीथ मौजूद होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें करेक्ट उत्तर का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन सिंगल पाइप सिस्टम द टाइम टेकन इन रिलीजिंग ऑफ वैगन ब्रेक्स। वैगन ब्रेक को रिलीज करने में यहाँ पर ध्यान रखिए सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम दिया गया है। तो सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम में केवल बीपी पर ब्रेकिंग होते हैं, रिलीजिंग भी केवल, तो यहाँ पर 45 से लेकर 60 सेकेंड तक का समय यहाँ पर रिलीज होने में लग जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम जो दिया गया 60, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टेयर वेट ऑफ बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन का यहाँ पर टेयर वेट पूछा गया है। तो बॉक्सन वैगन की अगर बात करें तो जो अभी आडेसो द्वारा जो मैनुअल जारी किया गया था उसमें टियर वेट जो दिया गया है वह 23.2 टन दिया गया है बॉक्सन वैगन के रेस्पेक्ट में। वहीं अगर बात करें पेलोड कैपेसिटी का, तो यह 58.08 टन दिया गया है। ग्रॉस वेट की अगर बात करें तो ग्रॉस वेट मिली टियर वेट प्लस पेलोड कैपेसिटी होता है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो यह आपका 81.28 टन निकल कर आएगा। और यहाँ पर अगर आप एक्सल लोड निकालना चाहे तो नंबर ऑफ ग्रॉस वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सल्स होता है। तो यह मेनली 81.28 को टोटल चार एक्सल्स मौजूद होते हैं वैगन के अंतर्गत, चार से डिवाइड देंगे तो आपका यहाँ पर 20.32 टन आपका एक्सल लोड निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए, टियर वेट ऑफ बॉक्सन वैगन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फीबा इन एलएचबी कोच स्टैंड्स फॉर। एलएचबी कोच में जो फीबा डिवाइस यूज किया जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फीबा डिवाइस का फुल फॉर्म होता है फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फीबा में किसी प्रकार का यहाँ पर जो एयर बैलून लगे होते हैं प्रत्येक बोगी में, इसमें किसी प्रकार का लीकेज या फेलियर पाया जाता है तो इसमें तुरंत यह फीबा सेंस करता है। इसमें लगे इंडिकेटर ग्रीन से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और पूरी गाड़ी में यह ब्रेक लगाने का काम करते हैं। और यह कंटिन्यू इसमें एयर बेलो में किसी प्रकार का डिफेक्ट रह जाता है तो इसको आगे अलाउ किया जाता है 60 km/h के साथ इसको अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच पार्ट इज नॉट यूज इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में यहाँ पर कौन सा पार्ट्स यूज नहीं किया जाता है। डैशबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर भी यूज में होते हैं, शॉक अब्जॉर्बर जो ब्लस्टर स्प्रिंग जो लगे होते हैं तो ब्लस्टर स्प्रिंग के बीच में एक वर्टिकल शॉक अब्जॉर्बर लगा होता है। तो यहाँ पर तीनों उपलब्ध होते हैं, जबकि WSP यह जो मेनली है वह LHB का पार्ट्स है, व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द इंटेंसिव BPC ऑफ एयर ब्रेक स्टॉक ऑफ इन टू एंड पैटर्न सेल रिमेन वैलिड प्रोवाइडेड। यहाँ पर बोला गया कि जो इन टू एंड जो BPC बनाया जाता है उस केस में यहाँ पर कब तक वो वैलिड रहेगा। तो पहला है कि अगर उसमें डेस्टिनेशन BPC के ऊपर लोडेड ट्रेन जगह होगा तो उसमें BPC पर प्रॉपर डेस्टिनेशन मेंशन होना चाहिए, तो उस केस में यह BPC वैलिड रह सकता है। सेकेंड है कि नॉट चेंज बाई 4 or more वैगन्स। अगर कोई अटैचमेंट या डिटैचमेंट यहाँ पर नहीं किया जाता है 4 या इससे ज़्यादा का, तो उस केस में भी यह रह सकता है। ध्यान रखिए 4 या उससे ज़्यादा का नहीं किया होना चाहिए, अगर करता है तो उस केस में BPC इनवैलिड हो जाएगा। थर्ड कंडीशन रखा गया है कि नॉट स्टेबल फॉर मोर देन 24 आवर्स एट TXR पॉइंट। कोई भी TXR पॉइंट्स में अगर 24 घंटे से ज़्यादा स्टेबल नहीं रहा हो, अगर रहता है तो उस केस में इन्वाइट हो जाएगा, नहीं रहने के केस में जब
वैलिड रहेगा। वही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था, यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो उस केस में यहाँ पर एंड टू एंड बीपीसी का वैलिडिटी बना रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी फायर एक्सटिंग्विशर्स आर टू बी केप्ट इन अ पैसेंजर कोचेज। पैसेंजर कोच में यहाँ पर कितने नंबर्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे जाने चाहिए, यहाँ पर वो पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो कि नॉर्मली अगर बात करें तो एसी कोच में चार के नंबर्स में, दो के नंबर्स में यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो पावर कार या जनरेटर कार जो होते हैं, इसमें मिली छः के नंबर्स में देखने को मिलता है जनरेटर कार के अंतर्गत। वहीं पेंट्री कार की अगर बात करें तो पेंट्री कार के अंतर्गत यह चार के नंबर्स में होते हैं। यहाँ पर बोला गया पैसेंजर कोचेज के अंतर्गत नॉर्मली जो एसी कोच होते हैं वहाँ पर दो के नंबर्स में उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, वेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज बाय क्यूक रिलीज वाल्व विच प्रेशर विल बी बेंट आउट। जब भी क्यूक रिलीज वाल्व के द्वारा अगर ब्रेक को मैनुअल रिलीज किया जाता है, इससे ब्रेक सिलेंडर एवं कंट्रोल रिजर्वायर दोनों का प्रेशर यहाँ पर बेंट आउट होते हैं। चूँकि यहाँ पर ऑप्शन दोनों दिया गया, ब्रेक सिलेंडर एवं सीआर प्रेशर, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर जब भी मैनुअल रिलीज किया जाता है तो ब्रेक सिलेंडर एवं कंट्रोल रिजर्वायर दोनों का प्रेशर यहाँ पर बाहर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है, व्हील गेज मींस, व्हील गेज का मतलब क्या होता है। तो व्हील गेज मेनली जो होता है कि कोई एक्सल है, इस पर दो चक्के लगे हैं दोनों साइड में, तो इनके व्हील्स के फ्लेंज के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं वही यहाँ पर व्हील गेज कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स ऑन सेम एक्सल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पीओएच ऑफ ब्रॉड गेज ब्रेक बान। ब्रॉड गेज ब्रेक बान का यहाँ पर पीओएच का अधिकता पूछा गया है, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का। तो वर्तमान में अगर बात करें जो ब्रेक बान नॉर्मली जो है वह एक बीबीजेडसी है, एक बीबीजेडआई है और एक है बीबीसीएम, जो कि मेनली गुड्स स्टॉक के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर बीबीजेडसी की अगर बात करें तो बीबीजेडसी को टू ईयर्स के अंतराल पर इनका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कर दिया जाता है। जबकि बीबीजेडआई की अगर बात करें तो इस केस में दो कंडीशन है, एक है कि आईओएच 12 मंथ पर किया जाता है और पीओएच की अगर बात करें तो यह 24 मंथ्स पर इसका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है। वहीं बीबीसीएम की अगर बात करें तो बीबीसीएम का जो पीओएच किया जाता है वह 4.5 इयर्स के अंतराल पर इसका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है। जबकि आरओएच की अगर बात करें बीबीसीएम का तो यह 18 मंथ्स के अंतराल पर किए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रोसेस होता है। कोचिंग के केस में जो है एज पर बीबीजेडआई यहाँ पर फॉलो होता है, 24 मंथ्स के अंतराल पर इनका पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया जाता है। जो कोचे एसएलआर वगैरह जो यूज किए जाते हैं पैसेंजर में, तो वो यहाँ पर बीबीजेडआई के फॉलो होते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें तो नॉर्मली यहाँ पर किसी प्रकार का मेंशन नहीं किया गया है, तो आप टू ईयर्स के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर प्रीमियम रिस्क बीपीसी वैलिडिटी इज डैश डेज। यहाँ पर बोला गया प्रीमियम रिस्क के लिए बीपीसी की वैधता कितने दिनों का होता है। तो प्रीमियम रिस्क की अगर बात करें तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 95% ब्रेक पावर मिनिमम होना अनिवार्य है। इसके अलावा इसके एग्जामिनेशंस के लिए 75 मैन आवर पर रेक रिक्वायरमेंट होता है एग्जामिनेशंस के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो इसका जो बीपीसी जारी किया जाता है इसके लिए ग्रीन कलर पेपर इशू किए जाते हैं। इसके अलावा इनके जो वैधता होता है, वैलिडिटी पीरियड होता है, वो 12+3 डेज होता है, जो कोई भी ट्रायल बेसिस पर 5 डेज के आधार पर इनको चलाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 12+3 डेज यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट आर द कॉज ऑफ हॉट एक्सल। हॉट एक्सल का यहाँ पर क्या कारण हो सकता है। तो हॉट एक्सल के यहाँ पर कॉज की अगर बात करें तो हॉट एक्सल का मेनली काफ़ी सारे कॉज होते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पर अगर कोई ग्रीस के अंतर्गत कोई फॉरेन मटेरियल कंटामिनेटेड जो मटेरियल्स होते हैं पार्टिकल्स, वो ग्रीस के साथ इन्वॉल्व कर गया हो तो ये यहाँ पर हॉट एक्सल का कॉज बन सकता है। सेकंड, यहाँ पर अगर उसका केज ब्रोकन हो बियरिंग्स का, तो उस केस में भी यहाँ पर बन सकता है कॉज, हॉट एक्सल का कारण बन सकता है। इसके अलावा जो रबर सील होते हैं उसके बीच पेरिस्ट कंडीशन में होने के कारण भी यह हॉट एक्सल का कारण बन सकता है।
इसके अलावा अगर बात करें कि बियरिंग के अंतर्गत इनसफिशियंट क्वांटिटी, अगर जो क्वांटिटी लिमिट फिक्स किया गया है उससे कम क्वांटिटी पाए जाने के केस में भी यह बियरिंग्स का कॉज हॉट एक्सेल का कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर कोई ओवरलोडिंग एक लिमिटेशंस होते हैं उससे ज़्यादा अगर ओवरलोड किया जाता है या एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम किया जाए यानी अनइवन लोडिंग किया जाता है बियरिंग के ऊपर, तो उस केस में भी यहाँ पर हॉट एक्सेल का कॉज बन सकता है। तो ये कई सारे कॉज है जो यहाँ पर हॉट एक्सेल का कॉज बन सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर अगर बात करें इन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या है, तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की अगर बात करें तो नॉर्मली जो वंदे भारत होते हैं तो वंदे भारत में जो ब्रेकिंग होता है वो नॉर्मल कोचेज के मुकाबले अलग होता है। अगर बात करें LHB कोचेज का, तो LHB कोचेज में नॉर्मली जो CR प्रेशर होते हैं और जो ब्रेक्स जो BP पाइप का जो प्रेशर होता है दोनों में यहाँ पर डिफरेंसेस सेंस करके यहाँ पर ब्रेकिंग अप्लाई होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ब्रेकिंग होते हैं वो अलग अलग पाँच प्रकार के मेनली ब्रेकिंग होते हैं। पहले ब्रेकिंग की अगर बात करें तो इसमें ऑटो ब्रेक्स जो कि फुल्ली न्यूमेटिक सिस्टम पर आधारित होते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग होता है। थर्ड अगर बात करें तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होता है। फोर्थ होता है पार्किंग ब्रेक्स। फिफ्थ होता है होल्डिंग ब्रेक्स। इस प्रकार टोटल पांच प्रकार के ब्रेक्स वंदे भारत के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में पूछा गया है। तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जो होता है, चूँकि आप जानते हैं कि वंदे भारत में जो प्रत्येक यूनिट्स में जैसे DTC यहाँ पर हो गया, फिर मोटर कोच, फिर टीलर कोच, फिर मोटर कोच यूनिट्स में होते हैं, तो यहाँ पर 50% मोटिंग परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलता है वंदे भारत के अंतर्गत। जिनमें अगर बात करें तो प्रत्येक मोटर कोच में यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर लगी होती है। ट्रैक्शन मोटर में जैसे ही हम यह मिले ट्रैक्शन मोटर इलेक्ट्रिक सप्लाई पर कार्यरत होते हैं, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पर कट करते हैं तो जो हमारा मोटर लगा होता है वो एज ए जनरेटर के तौर पर यह काम करने लगता है, शुरू कर देता है। और यह जैसे ही यह शुरू करता है तो यह मेनली जो काइनेटिक जो होते हैं हमारे गतिज फोर्सेस उनको यह इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे हमारा यह इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होते हैं और यह इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस जो होते हैं उनको यह कंज्यूम भी करता है और कुछ सेविंग भी होते हैं यहाँ पर, जो कि OHE में यहाँ पर वो लास्टली जो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक जो साइकल्स होता है वह यहाँ पर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस इज फीडबैक टू OHE, जो यहाँ पर ट्रैक्शन मोटर्स के द्वारा जो इलेक्ट्रिक कट करने पर जो स्पीड को यहाँ पर एज ए जनरेटर के तौर पर काम किया उससे जो इलेक्ट्रिक यहाँ पर जनरेट हुआ है उसको यह सेव करके पुनः OHE में यह फिट करने का काम करता है। तो यह एक जो साइकिल होता है वह रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ हॉपर टाइप वैगन। हॉपर टाइप वैगन्स का यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया है। हॉपर टाइप्स के अंतर्गत मिल रही बोवारियन और एक सेकेंड जो होता है वो बोवियन वैगन होता है। दोनों में बॉटम रिचार्ज का प्रावधान है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, इन केस ऑफ मेजर रेल एक्सीडेंट्स द इंजरी इज कंडक्टेड बाई, द इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाई। तो जो मेजर रेल एक्सीडेंट जो होते हैं इनका जो इंक्वायरी कंडक्ट किया जाता है वह मिल्ली CRS कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। यह जो है कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी वह मिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू प्रिवेंट सेलिंग इन LHB कोच ब्रेक सिलेंडर प्रेशर शुड नॉट बी मोर देन 10 kg/cm². LHB कोचों में सेलिंग की समस्या को प्रिवेंट करने के लिए जो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली आप जानते हैं कि जो LHB कोचों में जो ब्रेक सिलेंडर यूज किया जाता है उसमें मैक्सिमम प्रेशर 3 kg/cm² से ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेलिंग जो होता है वेट डेट्स के ऊपर आता है, वह मिली ब्रेक बाइंडिंग जैसी होती है, तो ब्रेक बाइंडिंग जो होता है रेल लाइन से जो व्हील स्किड होकर चलते हैं जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल बाहर आने लगते हैं, इसको ही हम व्हील सेलिंग बोलते हैं। इनमें मिली जो व्हील सेलिंग होता है वह 1.5 mm डेप्थ एवं 40 mm लेंथ तक ये मैक्सिमम परमिसिबल होते हैं, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सॉफ्ट शेड्यूल 3 ऑफ LHB कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ। जो LHB कोच का जो सॉफ्ट शेड्यूल 3 जो कंडक्ट करवाए जाते हैं वह मिलनी 72 मंथ्स
या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बिहार पर कोचेज का सॉफ्ट शेड्यूल 3 कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कंडमिंग थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड ऑफ LHB कोच इज। LHB कोच में जो ब्रेक पैड यूज किए जाते हैं इनका नए कंडीशन में 35 mm थिकनेस होता है और जब रिड्यूस होकर 7 mm पर आ जाएंगे तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द रोल ऑफ ISO सर्टिफिकेशन इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में ISO सर्टिफिकेशन का क्या रोल है। ISO का सिंपली फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इनका भारतीय रेलवे में मेनली रोल है कि जो भी सर्विसेज भारतीय रेलवे में प्रोवाइड किया जाए इनके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर ISO स्टैंडर्ड रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस इन इंडियन रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी ऑफ न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन। नए बने बॉक्सन वैगन का जो पहला फर्स्ट POH किया जाएगा वह 6 ईयर्स के अंतराल पर, और सब्सिक्वेंट पीरियड की अगर बात करें तो यह 4.5 ईयर्स के अंतराल पर किए जाते हैं। यहाँ पर नए पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर डी 6 ईयर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, RFID स्टैंड्स फॉर। RFID का यहाँ पर पूछा गया है तो RFID मिलनी जो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। RFID का मिलनी जो जैसे आप कोच वगैरह जो होते हैं या वैगन्स वगैरह उनके साइड में एक छोटा सा बॉक्स लगा होता है जिसे RFID टैग बोला जाता है। RFID मिलनी जो होते हैं यह मिलनी दो से एक रीडर से बनकर होता है और एक टैग होता है। टैग मेनली वैगन या कोचेज के किसी एक साइड में लगा होता है। रीडर का में जो एक वेव्स निकलते हैं रेडियो वेव्स जो टैग्स को सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल से वापस जो टैग से वापस सिग्नल जो रिसीव होता है उसके बिहाव पर या जो जिस भी कोच या वैगन्स का यहाँ पर पूरे बायोडाटा यहाँ से निकालने में कैपेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो RFID इस प्रकार से यह प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इशू विच आर नॉट टेकन अप फॉर द रेडियस इन CP ग्राम्स। यहाँ पर CP ग्राम्स के अंतर्गत कुछ मैटर्स है जिसको यहाँ पर रेडियस नहीं किया जा सकता, वो कौन कौन सा है। तो एक RTI मैटर्स को यहाँ पर नहीं लिया जा सकता, सब जडीज जो अदालती मामले होते हैं उनको नहीं लिया जा सकता, कुछ सजेशन वगैरह यहाँ पर नहीं लिया जा सकता, केवल अपना ग्रीवांस वगैरह समस्या आप डाल सकते हैं जिसके लिए टाइम लिमिट 30 डेज का रखा गया है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं लिया जा सकता है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द स्पीड रेस्ट्रिक्शंस टू बी इम्पोज इन केस ऑफ एयर स्ट्रिंग फेलियर इन LHB कोचेज। LHB कोचों में जो एयर स्प्रिंग बेल्लो लगा होता है इनमें किसी प्रकार का फेलियर आता है तो इसमें जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे वो 60 km/h का लगाया जाएगा अगर यह सही नहीं हो पाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कोलिजन एज पर न्यू क्लासिफिकेशन इज क्लासिफाइड। जो एक्सीडेंट मैनुअल जो जारी किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा इनमें कोलिजन को किस प्रकार के क्लास में रखे गए हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो टोटल भारतीय रेलवे के जो एक्सीडेंट मैनुअल है इसमें एक्सीडेंट को 16 क्लासों में रखा गया है A to R तक, जिसमें I and O को समाप्त कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, केवल A से R तक 16 क्लास को रखा गया है, जिसमें से क्लास ए के अंतर्गत कोलिजन को रखा गया है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा क्लास बी के अंतर्गत फायर इन ट्रेन रखा गया है, अगर ट्रेन के अंदर किसी प्रकार का फायर लगता है तो उसको क्लास बी के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें क्लास डी के अंतर्गत मेनली जो रखा गया है वह किसी प्रकार का डेलिमेंट वगैरह होते हैं कोचेज या वैगन्स का, तो उसको यहाँ पर क्लास डी के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा एक जो काफ़ी रेगुलर बेसिस में एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं वह है इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स, जिसे हिंदी फॉर्म में सांकेतिक दुर्घटना बोलते हैं। इसके अंतर्गत मेनली 3 क्लासेज रखे गए हैं, क्लास F, क्लास G एवं क्लास H।
क्लास एफ के अंतर्गत एवर्टेज कॉलिजन आता है, क्लास जी के अंतर्गत ब्रिज ऑफ ब्लॉक रूल्स, क्लास एच के अंतर्गत ट्रेन पासिंग एट डेंजर, जो रेड सिग्नल के अंतर्गत कोई ट्रेन पास आउट करता है तो उसको मेनली क्लास एच के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा क्लास जे के अंतर्गत फेलियर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक, जो ट्रेन पार्टिंग वगैरह जो होता है वह क्लास जे का पार्ट होता है। इसके अलावा क्लास के अंतर्गत फेलियर ऑफ पीबे, क्लास के एल के अंतर्गत फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और क्लास एम के अंतर्गत सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन में किसी प्रकार का फेलियर आता है तो उसको क्लास एम के अंतर्गत रखा जाता है। और किसी प्रकार की कैजुअल्टी वगैरह का देखने को मिलता है तो उस केस में क्लास पी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, ओ एच एस ए एस रिफर्स टू स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू, जो ओ एच एस एस जो है ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वह यहाँ पर उससे रिलेटेड पूछा गया है कि जो स्टैंडर्ड जो इससे संबंधित है वह मेनली ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर ओ एच एस एस यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बताया गया, जिसके लिए स्टैंडर्ड 18001 रखा गया, और आईएसओ स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो इसके लिए 45001 रखा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, द हॉट एक्सेल टेम्परेचर लिमिट इन कोचिंग स्टॉक, कोचिंग के केस में जो मैक्सिमम हॉट एक्सेल टेम्परेचर लिमिट रखा गया है जिससे बियॉन्ड होने पर हम उसको पर्टिकुलर कोच या वैगन्स को हम रेक से डिटैच करने की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर कोच के लिए 80 डिग्री सेल्सियस, और वैगन के लिए अगर बात करें तो वैगन के लिए 90 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा भी अगर कोई डिफरेंस टू एक्सल के अंतर्गत 20 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है तो उस केस में भी यहाँ पर डिटेच किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डज ओबीएचएस, ओबीएचएस फॉर इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के लिए जो ओबीएचएस जो शब्द है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो ओबीएचएस मेनली जो होता है ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस होता है, यानी एक भारतीय रेलवे के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला ऐसा सर्विस जो कि रनिंग ट्रेन के अंतर्गत किसी प्रकार का कोचिंग में सफाई करने के रिक्वायरमेंट जो होते हैं तो इसके लिए ओबीएचएस स्टाफ का प्रावधान किया गया, यानी ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, ब्रॉड गेज ट्रैक गेजेस, जो ब्रॉड गेज जो है इसके लिए जो डायमेंशन होता है ट्रैक का वो 1676 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा मीटर गेज भी एक ट्रैक यूज किया जाता है, इसका डायमेंशन होता है 1000 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च ऑन, जो स्वच्छ भारत मिशन जो लंच किए गए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा या लंच किए गए थे 2 अक्टूबर 2014 के अंतर्गत लंच किए गए थे, तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को यहाँ पर लंच किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ कैसना बोगी, कैसना बोगी का यहाँ पर मेंटेनेंस मैनुअल पूछा गया है, इसके लिए जो टेक्निकल पैम्पलेट्स रखे गए हैं इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस के लिए वह G95 रखे गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा G97 में जो रखा गया है ईयर ब्रेक फॉर फ्रेट स्टॉक, इसके अलावा G70 में बॉक्स एंड वैगन के रिगार्डिंग बोला गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो G73 में बोवारेन वैगन से संबंधित है, G90 के अंतर्गत BTPN वैगन से संबंधित है, G81 की अगर बात करें तो CTRB जो कि कैसनो बोगी के अंतर्गत यूज किया जाता है उससे रिलेटेड है, G76 की अगर बात करें तो जो ओपन लाइन CNW स्टाफ द्वारा जो CBC का इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस किया जाता है वो G76 के अंतर्गत आता है, वहीं वर्कशॉप स्टाफ के लिए CBC मेंटेनेंस जो है वो G80 के अंतर्गत आता है, वहीं ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक के मेंटेनेंस की अगर बात करें तो G100 के अंतर्गत आता है, वहीं जो 25 टन वाले जो बोगी है LWLH 25 बोगी इसका मेंटेनेंस 112 के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें LCCF 20C बोगी का भी मेंटेनेंस किए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCN? BCN का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो BCN का फुल फॉर्म होता है बोगी कवर्ड वैगन विथ एयर ब्रेक सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। BCN वैगन की अगर बात करें तो इनका POH 6 ईयर के अंतराल पर, वहीं ROH की अगर बात करें तो 24 मंथ्स के अंतराल पर इनका रूटीन ओवरऑलिंग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें लेंथ ओवर हेड स्टॉक का, तो यह 14,500 mm इसका लेंथ ओवर हेड स्टॉक होता है। वहीं लेंथ ओवर कपलर की अगर बात करें BCN वैगन का, तो यह 15,429 mm इसका लेंथ ओवर कपलर डिस्टेंसेस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्लान हेड फॉर MNP एसेट्स। MNP एसेट्स के लिए जो प्लान हेड रखा गया है वो कौन सा रखा गया है? तो MNP के लिए मेनली जो रखा गया मशीनरी एवं प्लांट्स के लिए, वह प्लान हेड 41 रखा गया है। इसके अलावा RSP यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए प्लान हेड 21, प्लान हेड 42 के अंतर्गत जो रखा गया वो वर्कशॉप एवं प्रोडक्शन यूनिट्स को शामिल किया गया है प्लान हेड 42 के अंतर्गत। इसके अलावा स्टाफ एवं वेलफेयर के लिए जो रखा गया प्लान हेड 51 रखा गया है स्टाफ वेलफेयर के लिए। प्लान हेड 53 पैसेंजर एवं अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज के लिए शामिल किया गया है। प्लान हेड 16 की अगर बात करें तो इसमें ट्रैफिक फैसिलिटी एवं यार्ड रिमॉडलिंग वर्क से रिलेटेड है। प्लान हेड 65 की अगर बात करें तो ट्रेनिंग एवं HRD से संबंधित है। वहीं प्लान हेड 71 की अगर बात करें तो इसको स्टोर एवं स्टोर सस्पेंस से रिलेटेड होता है। यहाँ पर केवल MNP पूछा गया था, तो MNP मेनली प्लान हेड 41 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द आईसीएफ बफर प्लंजर इज मेड ऑफ। जो ICF बफर प्लंजर जो होता है वो मेनली कास्ट स्टील का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके जो फेस बफर प्लंजर का जो फेस डाया होता है वो मेनली 457 mm का होता है। इसके अलावा एक ही एंड पर दो बफर्स के बीच के जो डिस्टेंसेज होते हैं वह 1956 mm यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो मैक्सिमम बफर प्लंजर स्टॉक होते हैं वह 127 mm इसका होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन जो हेड स्टॉक से होता है वह 635 mm, मिनिमम बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक की अगर बात करें तो 584 mm यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, पूछे गए हैं फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट। स्पार्ट का फुल फॉर्म होता है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। इसमें किसी प्रकार का लोकोमोटिव रिक्वायरमेंट नहीं होता है, या सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन DB इज आइसोलेटेड। DB अगर आइसोलेट कंडीशन में है तो कौन सा इक्विपमेंट चार्ज नहीं होगा, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि ये हमारा BP पाइप है, BP पाइप यहाँ पर डायरेक्ट कलेक्टर से आगे यहाँ पर ब्रांच पाइप जाता है, यहाँ पर आइसोलेटिंग कॉक लगा है, यहाँ पर DV लगा, DV आकर BP से कनेक्टेड हो गया, यहाँ पर CR कनेक्टेड होता है, फिर DV से ER का कनेक्शन होते हैं और एक कनेक्शन DV से ब्रेक सिलेंडर की तरफ होता है। अब यहाँ पर बात करें कि आइसोलेट कर DV आइसोलेट होता है तो ब्रेक सिलेंडर तो यहाँ पर चार्ज नहीं होगा और ना ही CR चार्ज होगा, लेकिन ER भी चार्ज यहाँ पर नहीं होंगे। लेकिन ट्विन पाइप के केस में यह होगा कि ट्विन पाइप में BP जैसी हमारा FP पाइप आएगा तो इस केस में ER तो चार्ज हो जाएगा, लेकिन DB अगर आइसोलेट होकर होता है तो केवल CR एवं ब्रेक सिलेंडर चार्ज नहीं हो पाएगा। तो दोनों सिनेरियो को देखते हुए अगर यहाँ पर देखा जाए कि ट्विन पाइप एवं सिंगल पाइप दोनों केसों में, तो यहाँ पर केवल और केवल कंट्रोल जरबार एवं ब्रेक सिलेंडर चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, RSP इन इंडियन रेलवे रिफर्स टू। RSP रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम को यहाँ पर इंडिकेट करता है जिसके लिए प्लान हेड 21 रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डज एस इन 5S स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्कशॉप वगैरह जाए, जो फैक्ट्री वगैरह के अंतर्गत जो कोई भी काम को एक सिस्टमेटिक वे में किया जा सके, इसके लिए एक टर्म रखा गया है
5S में पांच टर्म इसमें शामिल किया जाता है। पांच टर्म की अगर बात करें तो इसमें पहला टर्म रखा जाता है सॉर्ट, सेकेंड रखा जाता है इसमें सेट इन ऑर्डर, थर्ड यहां पर रखा जाता है साइन, फोर्थ यहां पर होता है स्टैंडर्डाइज, फिफ्थ यहां पर देखने को मिलता है सस्टेन, जो यहां पर आप स्टैंडर्डाइज किए हैं उसको यहां पर सस्टेन करना। इस प्रकार टोटल पांच टर्म होते हैं सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एवं सस्टेन। तो यहां पर वही पूछा गया था जो इस टर्म आता है वो किसके लिए आता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का यहां पर नहीं है, केवल यहां पर सॉर्ट आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, इन ईयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक इन टू इन गुड्स स्टॉक रेक्स, द एम्प्टी रेक आफ्टर अनलोडिंग शुड बी ऑफर्ड फॉर एग्जामिनेशन बिफोर। अगर कोई इन टू इन गुड्स रेक है एम्प्टी कंडीशन में, अगर उसको अनलोडिंग किया जाता है दूसरे लोडिंग से पहले उसको पुनः एग्जामिनेशन के लिए लाना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट बिफोर नेक्स्ट लोडिंग इन टू इन रेक्स को यहां पर TXR पॉइंट्स पर एग्जामिनेशन करवाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच रूल गवर्न्स पास इशू टू एम्प्लॉयज, जो भारतीय रेलवे के अंतर्गत जो कर्मचारी को पास इशू किए जाते हैं इसके लिए जो रूल्स रखा गया है वो पास रूल्स 1986 रखा गया है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, विच अमॉन्ग दिस इज नॉट अ स्पेशल पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पेशल पास नहीं है, तो जो प्रिविलेज पास या पीटीओ जो नॉर्मली लेता है कर्मचारी वह किसी प्रकार का स्पेशल पास नहीं होता है। इसके अलावा कर्मचारी अगर कोई स्पोर्ट ग्राउंड्स पर कहीं जाता है तो उसके लिए जो पास इशू किए जाते या मेडिकल ग्राउंड्स हो गया, इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी किसी सस्पेंशन पीरियड में अगर उसे कोर्ट के लिए यहाँ पर अटेंड करना हो तो उस केस में जो पास इशू किए जाते हैं ये सारे स्पेशल पास के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्मली जो प्रिविलेज पास इशू किए जाएंगे वह किसी प्रकार का स्पेशल पास के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन अ फाइल इज नॉट टू बी यूज्ड इन ई ऑफिस फॉर अ लॉन्ग टाइम इट कैन बी डैश। यहाँ पर बोला गया है कि ऑफिस के अंतर्गत एक कोई फाइल है जिसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं किया गया है लेकिन आगे यूज किया जा सकता है, तो इसको प्रॉपर स्टोरेज करना होता है जिसे इसको पार्क बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, लेंथ ऑफ एंकर लिंक, एंकर लिंक का यहाँ पर लेंथ पूछा गया है जो कि यहाँ पर होता है 451 प्लस माइनस 1 के रेंज में होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो एंकर लिंक्स होते हैं वह प्रत्येक ICA बोगी में, ध्यान रखें, 2 एंकर लिंक प्रोवाइडेड होते हैं प्रत्येक ICF बोगी में या उपलब्ध होता है। जो यह प्रोवाइडेड होते हैं वह ब्लस्टर एवं बोगी ट्रांजम के बीच यह प्रोवाइडेड होते हैं। अब बात करें इसके फंक्शन का, एंकर लिंक से फंक्शन का, तो यह मिलनी जो ब्लस्टर के रेशनल मोमेंट को यह प्रिवेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डज FSDS यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। यह मिलनी फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम जो कोचेज के अंतर्गत लगे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। FSDS का काम होता है मेनली केवल फायर एवं स्मोक को डिटेक्ट करना होता है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो आ रहे हैं वो इसमें FDSS फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम का प्रावधान किया गया है, यानी वो डिटेक्ट भी करेगा और सप्रेस करने का भी काम वो खुद कर लेगा, जिसके लिए वाटर सिलेंडर, जो वाटर का यहाँ पर टैंक लगाए गए हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो नाइट्रोजन सिलेंडर लगाए गए हैं, दोनों को यहाँ पर मिक्सअप होने पर वह सप्रेशन का काम यहां पर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, व्हाट इज OMR सिस्टम इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में जो OMR सिस्टम यूज किया जाता है, OMR मिली जो होता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके अगर बात करें सब असेंबली का, तो इसके चार मिली सब असेंबली होते हैं OMR के। एक होता है रेल बाम यानी रेलवे, और बाम का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है बियरिंग एकॉस्टिक मॉनिटर, यानी बियरिंग के आवाज़ को सेंस करके इसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट जो बियरिंग में वो उसको यह बताने का काम करता है।
इसके अलावा एक लगा होता है सब असेंबली, वो डब्ल्यू सी एम होता है, बिल कंडीशन मॉनिटर, जो इसमें 6 स्ट्रेन गेज लगे होते हैं डब्ल्यू ओ एम आर के अंतर्गत। उस पर जैसे ही व्हील्स यहाँ पर मूव करके जाते हैं तो उसके इम्पैक्ट के आधार पर वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि किसी प्रकार का व्हील्स यहाँ पर डिफेक्ट्स है या कोई अनइवन लोडिंग वगैरह है, उसको ये आइडेंटिफाई कर लेता है। इसके अलावा इसमें जो थर्ड सब असेंबली लगा होता है वो लगा होता है आर एफ आई डी। यहाँ पर जो रीडर लगा होता है, जिस जो कि जैसे इससे कोई वैगन या कोचेज गुजरते हैं तो उसमें लगे टैग को यह रीड करता है और उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो RFID के माध्यम से इसमें गेन कर लिया जाता है। और चौथा जो असेंबली लगे होते हैं, विजन सिस्टम लगा होता है, यहाँ पर कैमरे लगे होते हैं, वो कैमरे से फोटो यहाँ पर लिया जाता है, जिसके बिहार पर कोई एक तरफ झुका है वैगन्स या कोई सही कंडीशन में नहीं है, वो सारे यहाँ पर फोटो के माध्यम से वो कैप्चर कर लेते हैं। इस प्रकार OMRs यहाँ पर सिस्टम कार्यरत होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में बोला गया है प्रश्न में कि व्हाट इज द OMR सिस्टम, तो यह मेनली डिफेक्टिव बियरिंग्स, व्हील डिफेक्ट्स वगैरह को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर OMR सिस्टम को प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज M1 स्टैंड्स फॉर इन बॉक्सन M1। जो बॉक्सन M1 जो सफिक्स लगा होता है वह मेनली मॉडिफिकेशन 1 को रिप्रेजेंट करता है, वहीं किसी किसी वैगन में आप M2 देखते होंगे वो मॉडिफिकेशन 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन 1 M1 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर टेस्टिंग C3DV द ER चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज डैश। यहाँ पर बोला गया कि जब भी टेस्टिंग करते हैं हम तो C3WDV जो लगा होता है इसमें ER का चार्जिंग टाइम, जो ER को हम ध्यान रखें यहाँ पर 4.8 जो है यानी 5 kg पर सेंटीमीटर जो है, जो हम सिंगल पाइप के अंतर्गत जो हम चार्ज करते हैं डीबी के माध्यम से जो ER में प्रेशर जाता है, तो वह चार्जिंग टाइम कितना है C3W Type DB यहाँ पर दिया गया है इसके अंतर्गत। तो इसके लिए जो चार्जिंग टाइम समय जो रखा गया है वह 175 प्लस माइनस 30 सेकेंड का समय रखा गया है ER चार्जिंग टाइम का। और अगर बात करें ये C3W के अंतर्गत जो चार्जिंग के लिए जो सब असेंबली यूज में लिया जाता है डीबी का, वह लिया जाता है ER चेक वाल्व्स। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि C3W DB के अंतर्गत जो ER को चार्ज किया जाता है वह डीबी के कौन से सब असेंबली के द्वारा चार्ज किया जाता है, तो यह मेनली ER चेक वाल्व के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेम, जेम का क्या फुल फॉर्म है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह गवर्नमेंट्स का ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से भारत सरकार किसी प्रकार के गुड्स एवं सर्विस को प्रोक्योर करना हो या इसके रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का अगर कोई गुड्स या सर्विसेज को प्रोक्योर करना हो तो इसके लिए जेम बनाया गया है, गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, जिसके बिहाफ से वहाँ से वह गुड्स या सर्विस का परचेजिंग कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फुल फॉर्म ऑफ EOG। EOG का फुल फॉर्म यहाँ पर है इंड ऑन जनरेशन, जो आप LHP कोचेज में रेक में देखते होंगे लास्ट में जनरेटर कार लगा होता है, जनरेटर कार जिसे पावर कार भी बोला जाता है, जहां पर उसके अंतर्गत प्रेशर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को जनरेट किया जाता है जनरेटर के माध्यम से, और यही इलेक्ट्रिसिटी को यहां पर पैसेंजर्स को फैंस की सुविधा देना हो या इसके अलावा अगर बात करें एयर कंडीशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के जो रिक्वायरमेंट है वह जनरेटर कार या पावर कार के माध्यम से ही पूरा किया जाता है, जिसे हम EOG इंड ऑन जनरेशन बोलते हैं। इसके अलावा भी जो लेटेस्ट जो जितने भी आ रहे हैं वो HOG यानी हेड ऑन जनरेशन के माध्यम से OHE के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पूरा किया जा रहा है पैसेंजर एमिनिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर इंड ऑन जनरेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बॉक्सन एचएल वैगन। बॉक्सन एचएल वैगन में जो फ्लोर सीट यूज किया जाता है इसका मटेरियल पूछा गया है। तो बॉक्सन एचएल वैगन में जो मटेरियल यूज किया जाता है वह मिली स्टेनलेस स्टील IRSM 44 का प्रयोग किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसमें अगर बात करें तो साइड एंड एवं फ्लोर तीनों के लिए यहाँ पर 4mm थिकनेस का यहाँ पर सीट प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बॉक्स एंड एचएल वैगन के अंतर्गत CRF यानी कोल्ड रोलेड फॉर्म सेक्शन का प्रयोग किया जाता है जिसका यूज करने का मेन पर्पस होता है कि बॉडी व अंडर फ्रेम्स में CRF सेक्शन का प्रयोग करके ओवरऑल जो टियर वेट है बॉक्स एंड एचएल वैगन का वो कम किया जा सके। इसके लिए यहाँ पर CRF सेक्शन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एंड टू एंड फ्रेट स्टॉक BPC वैरायटी मीन्स जो एंड टू एंड BPC जो जारी किया जाता है फ्रेट स्टॉक का इनका वैरायटी कब तक होता है। तो फर्स्ट जो लोडिंग पॉइंट जो होता है उसके अनलोडिंग पॉइंट तक का यहाँ पर जो डेस्टिनेशन प्रॉपर जो होता है वहाँ तक इसका वैरायटी पीरियड होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एक्सल इज चेक्ड बाई एक्सल को चेक किया जाना चाहिए UST यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो होता है जिसके माध्यम से यहाँ पर एक्सल के इंटरनल क्रैक्स जो होते हैं इंटरनल क्रैक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है एक्सल का। इसके अलावा DPT टेस्ट है, इसके अलावा जाइग्लो टेस्ट होता है, एडी करंट अरे टेस्ट है, मैग्ना फ्लक्स टेस्ट है, ये कई सारे जो टेस्ट होते हैं ये सारे के सारे NDT टेस्ट के अंतर्गत आते हैं जिसे हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डज SOP स्टैंड फॉर। SOP का यहाँ पर अर्थ क्या होता है। SOP यानी जिस सिंपली अगर बोला जाए तो MSOP होता है मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स यहाँ पर होता है मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर्स। MSOP के अंतर्गत GM को एज ए नेगेटिव पावर के तौर पर दिखाया गया है जो कि प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। इसमें अलग अलग पार्ट्स को दिया गया है जिसमें टोटल 7 पार्ट्स बताया गया है MSOP के अंतर्गत। इसमें पार्ट ए में वर्क्स मैटर्स को रखा गया है, पार्ट बी में मेडिकल मैटर्स को, पार्ट सी में मिसलेनियस मैटर्स को शामिल किया गया है, पार्ट डी के अंतर्गत स्टोर मैटर्स को, पार्ट ई की अगर बात करें तो कमर्शियल मैटर्स को शामिल किया गया है, वहीं पार्ट एफ के अंतर्गत इस्टेब्लिशमेंट मैटर्स को और पार्ट जी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी मैटर्स को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा शेड्यूल ऑफ पावर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सेकेंडरी सस्पेंशन ऑफ फिएट बोगी कंसिस्ट ऑफ। फिएट बोगी का जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है वह या तो फ्लेक्सी क्वाल स्प्रिंग का बना होगा या तो एयर स्प्रिंग बेल्लो का बना होगा। तो यहाँ पर दोनों है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ साइड बीयर फिटेड इन कैशनप 22HS ट्रॉली। जो कैशनप 22HS ट्रॉली के अंतर्गत जो साइड बीयर का प्रावधान किया गया है जो फिटेड होते हैं वो PU यानी पॉली यूरेथिन टाइप्स के जो साइड बीयर है उनका प्रावधान किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज डन। किसी भी प्रकार के कोच का जो इंटेंसिव क्लीनिंग का जो अंतराल रखा गया है वह 1 month यानी 1 माह के अंतराल पर इसका इंटेंसिव क्लीनिंग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैक्सिमम प्रेशर इन अ कन्वेंशनल ICF कोच ब्रेक सिलेंडर। कन्वेंशनल ICF कोच में जो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर होगा वह मेनली 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। वहीं LHV की अगर बात करें तो LHV में केवल और केवल 3 kg मैक्सिमम प्रेशर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर अवेलेबल इन ICF कोचेज। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉर टेकिंग ट्रैक मेजरमेंट एट एक्सीडेंट साइट स्टेशन सेल बी मार्क्ड एट डैश मीटर्स अपार्ट्स। यहाँ पर जो जब भी हम एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं तो उसको एक पेपर्स पर यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ता है जिस ड्राइंग फॉर्म में। तो इसमें बोला गया कि जो यहाँ पर
ट्रैकिंग मेजरमेंट जो किया जाएगा एक्सीडेंट साइट्स के, वह स्टेशन से यहाँ पर मार्क किया जाना चाहिए 3 मीटर्स की अलग यहाँ पर मार्क किया जाना चाहिए, वही यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फ्लेक्स बॉल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू, जो फ्लेक्स बॉल केबल होता है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, या डायरेक्ट रूप से ब्रेक सिलेंडर से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो यहाँ पर हैंड ब्रेक केबल्स लगे होते हैं, या दोनों हैंड ब्रेक केबल्स जो फीएट वोगी में एक दूसरे से डायगोनली रूप से या कनेक्टेड होते हैं, और इसमें एक असेंबली होता है और यहाँ से दो पाइप एक अलग जाता है, जो कि यहाँ पर अगर बात करें तो एक जो होता है वो 6 लीटर के ब्रेक सिलेंडर से लगा होता है और एक इंडिकेटर के लिए लगे होते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो रोलर लीवर बल्ब लगा होता है, जैसे यहाँ पर थ्रेड के साथ जुड़े हुए जो ब्लॉक्स होते हैं वो जैसे ही नीचे तरफ आते हैं, यहाँ पर पुश आउट करते हैं, नीचे की तरफ दबाते हैं, तो उस दौरान जो प्रेशर होता है वह 6 लीटर प्रेशर से यहाँ पर आने लगते हैं, जिससे यह लगे पाइप दूसरे पाइप जो होते हैं इंडिकेटर उसमें जाते हैं, तो वह मेनली रेड कलर को इंडिकेट करता है, वह हैंड ब्रेक को या अप्लाई कंडीशन को सेंस करता है। जैसे ही यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में जैसे हमारा यहाँ पर पुलर को एक पुश करेगा यहाँ पर, तो उस कंडीशन में यह प्रेशर को जाना बंद कर देगा यहाँ पर, तो उस कंडीशन में यह हमारा इंडिकेटर ग्रीन हो जाएगा, और यह ग्रीन इंडिकेटर हमें यह रिप्रेजेंट करता है कि हमारा हैंड ब्रेक रिलीज कंडीशन में है। तो इस प्रकार यहाँ पर केबल भी यहाँ पर ऑपरेट होते हैं और यहाँ पर प्रेशराइज सिस्टम भी यहाँ पर एक साथ ऑपरेट होते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डीपीटी और एडी करंट अरे हैज टू बी डन फॉर एलएचबी व्हील डिस्क वंस इन डैश शेड्यूल्स, जो एलएचबी कोचों के जो चक्कों का जो डिस्क का हम टेस्ट वगैरह करते हैं कि किसी प्रकार का सरफेस क्रैक्स वगैरह ना हो, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम डीपीटी टेस्ट हो या ईसी ये टेस्ट हो, यानी एडी करंट अरे टेस्ट हो, या हम कंडक्ट करवाते हैं। ईसीए टेस्ट मेनली जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, या D3 शेड्यूल के अंतराल पर यह किया जाता है सरफेस क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन BLC वैगन हाइट ऑफ सेलेक्ट लेस ड्रो बार अरेंजमेंट फ्रॉम रिलेबल इज डैश एमएम, जो एक BLC वैगन है इसमें एक यूनिट में 5 कार्स होते हैं, 2 एंड पर 1 कार्स लगे होते हैं, बीच के 3 पोर्शन जो होते हैं वो बी कार्स के लगे होते हैं, जो एक दूसरे से स्लैक लेस ड्रॉ बार के जरिए कनेक्टेड होते हैं, और लास्ट के एंड पर जो होता है एक कार्स वो सीबी से लगे होते हैं, जिसका हाइट 1105 mm होता है। वहीं स्लैक लेस ड्रॉ बार की अगर बात करिए, इसका हाइट रियल लेवल से केवल और केवल 845 mm होते हैं। वही यहाँ पर पूछा गया है, स्लैक लेस ड्रॉ बार का हाइट पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ बायो टॉयलेट बैक्टीरिया, जो कोचिज के अंतर्गत जो बायो टॉयलेट टैंक्स होते हैं इनमें जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है वो एनरोबिक बैक्टीरिया का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ फायर कैन एन ABC फायर एक्सटिंग्विशर्स बी यूज्ड ऑन, यहाँ पर मिली जो फायर्स के टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास एवं डी क्लास। यहाँ पर केवल ABC फायर्स के लिए पूछा गया है, तो ए फायर्स के अंतर्गत ए क्लास के जो फायर्स होते हैं वो मिली जो ऑर्डिनरी जो कम्बस्टिबल जो फायर्स होते हैं उनके इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि कोई वुड से लगा फायर्स हो, पेपर क्लॉथ से एवं प्लास्टिक से लगा फायर्स होता है, ये सारे क्लास ए के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वहीं क्लास बी के अंतर्गत मेनली जो फ्लेमेबल लिक्विड्स या गैसेस से शामिल जो फायर्स होते हैं उनको क्लास बी के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं क्लास सी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगे फायर्स होते हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस प्रकार का सी में दिया गया है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें क्लास डी में, तो क्लास डी में मेटल्स को शामिल किया जाता है, मेटल से लगे फायर्स जो होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम जो होते हैं इनसे लगे फायर्स को क्लास डी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द फ्लैट टायर अलाउइंग लिमिट्स इन कोचिंग स्टॉक, कोचिंग स्टॉक में जो फ्लैट टायर का जो अलाउइंग लिमिट्स है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स वो कितना है, तो कोच में यह जो रखा गया है वह 50 mm मैक्सिमम रखा गया है। वहीं वैगन की अगर बात करें
तो वैगन में यह लिमिट 60 mm मैक्सिमम रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 50 mm मैक्सिमम लिमिट परमिसिबल ऑफ फ्लैट टायर इन कोचिंग स्टॉक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ MNP एंड MNP प्रोग्राम। MNP प्रोग्राम का क्या उद्देश्य होता है? तो MNP प्रोग्राम का मेन जो पर्पस होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी पार्ट्स, जो मशीनरी वगैरह का जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है वो MNP प्रोग्राम के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके लिए जो प्लानेट रखा गया है वो प्लानेट 41 रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ट्रांजिशन CVC कपलर इन LHP कोचेज। ट्रांजिशन CVC कपलर जो है वो LWL RRM जो ब्रेक बान होते हैं LHP का, उसके अंतर्गत यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, BPC इशूड फॉर LHP रेक आफ्टर पिट लाइन एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर। पिट लाइन एग्जामिनेशन के बाद जो LHP रेक का जो BPC जारी किया जाता है वो कितने वैरायटीज का जो वैधता होता है कितना होता है, तो LHP के केस में यह 4000 किलोमीटर या 96 आवर्स जो भी पहले उस बिहार पर लिया जाता है। अगर कोई ICF का रेक का पिटलाइन एग्जामिनेशन किया जाता है तो इसके लिए 3500 किलोमीटर्स या 96 आवर्स होता है। वहीं वंदे भारत की अगर बात करें तो वंदे भारत के रेक्स में यह जो किलोमीटर का वैधता है वह 10,000 किलोमीटर्स या 6 डेज जो भी पहले हो उस बिहार पर इसको रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें जो कि LHP कोच के लिए पूछा गया है, तो LHP कोच का यहाँ पर 4000 किलोमीटर्स या 96 आवर्स बीच इवर्स इज अर्लियर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हील बेस ऑफ कैसना बोगी। कैसना बोगी का व्हील बेस जो होता है वो 2000 mm होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा अगर बात करें ICA बोगी का तो यह 2896 mm होते हैं। LHB यानी फिएट बोगी की अगर बात करें तो यह 2560 mm इसका फिएट व्हील बेस होता है। वहीं वंदे भारत का अगर व्हील बेस की अगर बात करें 2700 mm इसका व्हील बेस होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डज APD स्टैंड फॉर। APD का अर्थ क्या होता है? APD का अर्थ होता है एंटी प्रिफरेज डिवाइस होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं 10 प्रश्न वो ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द 8 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची के अंतर्गत जो टोटल लैंग्वेज को जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं वह 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया है, जिसमें से एकमात्र फॉरेन लैंग्वेज नेपाली को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत के सेकेंड राजभाषा कौन सा है? तो वह इंग्लिश है। फर्स्ट में जो है वह हिंदी को रखा गया है, सेकेंड इंग्लिश को रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 इज नॉट अप्लीकेबल टू बीच स्टेट्स। जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो है 1976 यह मिलनी आया था 17 जुलाई 1976 को लाया गया था। यह मिलनी कौन से स्टेट्स के ऊपर लागू नहीं होता है? तो यह मिलनी जो तमिलनाडु स्टेट्स है उनके उस स्टेट्स पर यह रूल अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच स्टेट्स इन इंडिया रिकॉग्नाइज हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट्स यहाँ पर हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया है? गुजरात यहाँ पर नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज इनिशियली लिमिटेड टू हाउ मेनी ईयर्स। जब यहाँ पर शुरुआत में 14 सितंबर 1949 को यहाँ पर संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया था और ऑफिशियली डिक्लेरेशन यह 26 जनवरी 1950 को किया गया था,
उस समय 15 ईयर्स के लिए यहाँ पर शामिल किया गया था, 15 वर्षों के लिए, यानी यह या यूज किया जाना चाहिए था 26 जनवरी 1965 तक। लेकिन उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लाया गया था, इसमें संशोधन करके हिंदी को प्राइमर लैंग्वेज और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी यूज किया जा सके, इसलिए यहाँ पर सेकेंडरी लैंग्वेज जो था वो अंग्रेजी को रखा गया था। और इनिशियली जो 1950 में लाया गया था वह केवल और केवल 15 ईयर्स के लिए लाया गया था। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन व्यू ऑफ यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी द यूनियन ऑफ इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शंस। यहाँ पर बोला गया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पर जो यूनियन ऑफ इंडिया को कितने रीजन्स में डिवाइड किए गए सेक्शंस में, तो टोटल 3 सेक्शंस ए बी एवं सी सेक्शंस में क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का डिक्लेयर करता है, तो यह आर्टिकल 343 के 1 के अंतर्गत यह शामिल किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 351 के अंतर्गत मेनली डेवलपमेंट ऑफ हिंदी के बारे में बताया गया है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 345 की अगर बात करें, तो आर्टिकल 345 के अंतर्गत मेनली जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स में कौन सा होगा ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बारे में यह बताया गया है आर्टिकल 345 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन इट्स रूल्स। आठवीं अनुसूची में कौन सा लैंग्वेज शामिल नहीं किया गया है। कोंकणी को शामिल किया गया, सिंधी शामिल है, उर्दू शामिल है, टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से ब्रज को शामिल नहीं किया गया है। आज प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन व्हाट ऑर्डर आर द नेम बोर्ड डेजिग्नेशन बोर्ड इन्फॉर्मेशन बोर्ड रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड इन नॉन हिंदी लैंग्वेज स्टेट्स एज पर रूल्स। जो एज पर रूल्स जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का, उसके अनुसार कोई भी नॉन हिंदी लैंग्वेज वाले जो राज्य में अगर कोई हमें डिस्प्ले करना हो किसी इन्फॉर्मेशन को, तो सबसे पहले हम जो नेम बोर्ड डेस्टिनेशन बोर्ड या इन्फॉर्मेशन बोर्ड को सबसे पहले हम रीजनल लैंग्वेज में, उस स्टेट्स का जो रीजनल लैंग्वेज होगा उस लैंग्वेज में लाया जाएगा। सेकेंड हम हिंदी लैंग्वेज में लाएंगे, थर्ड जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में लाया जाएगा। यह एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच इज द हिंदी प्रीपेटरी कोर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो कौन सा यहाँ पर प्रीपेटरी हिंदी कोर्स है, प्रारंभिक कोर्स जिसे हम एलिमेंट्री कोर्स भी बोलते हैं, तो उसमें प्रबोध को प्रारंभिक यानी एलिमेंट्री कोर्स के तौर पर लिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।